इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजस इससे पहले हमने यूनिट नंबर एट कल देखा था आज हम यूनिट नंबर नाइन देखेंगे uh, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज ठीक है इसको ब्रीफली हमने जो है वो सॉफ्टवेयर और जब हम कंप्यूटर uh, सॉफ्टवेयर्स वाला यूनिट पढ़े थे आई थिंक इट वॉज़ यूनिट नंबर फोर और फाइव उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजसो वी विल अगेन री कैप सो वट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस यूनिट इसमें आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ के, के हवाले से पढ़ेंगे ठीक है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? है इसी तरह वट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें बुनियादी तौर पर दो कैटगरीज दो कैटेगरीशन हैं लो लेवल लैंग्वेज़ और हाई लेवल लैंग्वेजस इसी तरह फिर लो लेवल लैंग्वेज़ के अंदर हम मशीन लैंग्वेज एंड असम्बली लैंग्वेज को ब्रीफली देखेंगे और फिर हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे उसके बाद तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे डेट इज़ कम्पाइलर इंटरप्रेटर एंड लिंकर इसका क्या काम होता है एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ठीक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद फिर हम जो है वो कॉमनली यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस को देखेंगे और ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हम इसमें कवर करेंगे ठीक है फिर एस को देखेंगे और फिर आगे हम करैक्टरस्टिक्स uh, देखेंगे वट आर द करेक्टरस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ठीक है सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है कि जिस हमने पहले भी बात की थी कि ज़ुबान जो है बेसिकली लैंग्वेज का बेसिक पर्पस क्या होता है टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब ह्यूम्स भी एक दूसरे को जब कोई भी मैसेज देना चाहते हैं कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं जब हम कोई भी काम कराना चाहते हैं किसी भी दूसरे ह्यूमन से तो बेसिकली हमारे बीच में तो मीडियम होता है टू मेक अदर अंडरस्टैंड वट वी आर ट्राइंग टू से कि आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी है सो so, uh, वो मीडियम जो है वो लैंग्वेज का uh, किरदार अदा करता है ठीक है जिस तरह अब आप और हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों uh, जो दो सेंडर एंड रिसीवर को जो है वो किसी एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश या उर्दू में बात कर रहे हैं तो इट मींस आप उसको यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सो आई कैन ट्रांसफ़र द मैसेज या ट्रांसफ़र द नॉलेज और डिस्कस द नॉलेज विद यू लेकिन यही काम अगर हम चाइना चले जाते हैं तो डेफ़िनेटली अगर हमें चाइनीज़ नहीं आती तो हम उन किसी चाइनीज़ से कोई काम नहीं करवा सकेंगे अनलेस एंड अनटिल हमारे बीच में कोई ट्रांसलेटर हो जो कि हमारी लैंग्वेज को चाइनीज़ में और चाइनीज़ को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके तो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इसी तरह कंप्यूटर से जब हमने काम लेना होता है तो आ, अगेन इसमें लैंग्वेज का किरदार होता है ठीक है हमने की कोई लैंग्वेज होगी जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे टू मेक अवर वर्क ईजियर या जो भी हमने टास्क परफॉर्म करवाना है हम उसको किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कोडिंग करेंगे जैसे हमने पहले भी बात की थी कि uh, तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर चल रही हैं तो जो बुनियादी लैंग्वेज है कंप्यूटर uh, की दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज ठीक है बाइनरी लैंग्वेज से क्या मुराद है जी कोई बताएगा बाइनरी लैंग्वेज से क्या मुराद है जी बाइनरी लैंग्वेज से मुराद ज़ीरो एंड वन की कम्युनिकेशन है क्यों क्योंकि करंट जो है कि दो फॉर्म्स होती हैं यानी कि वन इज़ करंट है एंड ज़ीरो मीन्स करंट नहीं है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज बुनियादी तौर पर बाइनरी लैंग्वेज है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करें तो फिर इंसान ने क्या किया कि इंसान ने मुख्तफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ बना दी ठीक है कम्प्यूटर लैंग्वेज बना दी जिसकी वजह से हम आसानी से जो इंस्ट्रक्शन दे सकें और फिर वो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जो कि कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज़ कंप्यूटर लैंग्वेज को किस में बाइंड्री लैंग्वेज के अंदर ठीक है ये क्या कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वन ऑफ़ द इम्पॉटेंट डोमेन इन आई टी पैराडाइम द चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ आई टी एप्लीकेशन ठीक है इस यूनिट में आपको बताया जाएगा कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जनरेशन्स कौन कौन सी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और कॉन्सेप्ट क्या है कंपाइलर का इंटरप्रेटर का और लिंकर का वो इसको भी हम डिस्कस इसमें करेंगे ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ के इसी तरह आप जो है फेमिलियर हो जाएं हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस लैंग्वेज़ के बारे में आपको पता हो कि वो क्या होती हैं इसी तरह आप इस काबिल हो जाएं सो डैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड लिंकर एंड इसी तरह यू हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देयर करेक्टरस्टिक्स ठीक हो गया इसमें हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या आ गया अब कंप्यूटर प्रोग्राम अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑफ एट इट्स ऑन इट रिक्वायर्स सम इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क

तो इसकी फार्मोलेन के लिए द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड फॉर्मेट एंड द फॉर्मेट इज बेस्ड ऑन एंड सिमेंटिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो किसी को भी हमने इंफॉमेशन इंसानों में भी जब हमने किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो कोई रूल्स होते हैं ना किसी हर लैंग्वेज के सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स होते हैं सिंटेक्स में जिस तरह हम इंग्लिश के कहते हैं अल्फाबेट्स आ गए ठीक है अब अल्फाबेट्स से मुराद ये नहीं है कि आप किसी को भी ए बी सी बोलेंगे तो उसको समझ आ जाएगी ठीक है अब आप उसको कम्बीशन मुख्तलिफ कम्बाइन करेंगे मुख्तलिफ लेटर्स को उसके कुछ मीनिंग्स बनेंगे सीमेंटिक्स होता है बेसिकली उसकी मीनिंग क्या है इसी तरह सेंटेक्स के मुराद क्या हो जाएगा उसका पैटर्न uh, क्या है ठीक है जिस तरह रूल्स एंड रेगुलेश ग्रामर की बात होती है कि ग्रामर जो है वो उसकी क्या है ठीक है अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ एन आर्टिफिशल लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ ऑलसो नैन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है कंप्यूटर लैंग्वेज को uh, हर या नॉर्मली उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ वे ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर ठीक है वही हमने अगेन बात की तो बेसिक पर्पस क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सो डैट वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सो डैट हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकें हम अपना जो भी काम हमने करवाना है उसे हम प्लस करवा सकते हैं माइनस करवा सकते हैं प्रोसेसिंग करवा सकते हैं ठीक है किसी चीज की शॉर्टिंग करवा सकते हैं या जो भी काम उसे हमने कंप्यूटर uh, के कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म करवाना है उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे यूजिंग कम्प्यूटर लैंग्वेज अब हर लैंग्वेज के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एक प्रोग्राम कहलाता है जिस तरह मैंने आ, पिछले उसमें एक एग्जाम्पल दी थी जिस तरह एक फॉर एग्जाम्पल आपने किसी शख्स से किसी छोटे बच्चे से कोई चाय बनवानी है या कोई काम पा, पानी ले आना है या चाय बनवानी है फॉर एग्जाम्पल तो चाय बनाने का एक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा ठीक है अब उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल आपकी इंस्ट्रक्शन होंगी जो कि स्टेप वाइज आप उसको बताएंगे कि पहले आप ये करें ठीक है उसमें फिर पानी डालें चीनी डालें ये आप एक ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम एक टास्क हो सकता है जो कि आपने कंप्यूटर से करवाना है और उसको आप सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप उसको स्टेप वाइज बताएंगे कि पहले आप ये करें फिर प्लस करें फिर माइनस करें फिर मल्टीप्लाई करें ठीक है तो प्रोग्राम क्या होगा अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क किसी भी एक ख़ास किस्म के कोई भी टास्क करवाने के लिए आपने उसको वन या वन मोर देन वन इंस्ट्रक्शन जब आप देंगे का मजमू देंगे तो उस पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाएगा प्रोग्राम ठीक है ओके अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट फिर कंप्यूटर क्या करता है द कंप्यूटर एग्जीक्यूट हीज इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट ठीक है वही इनपुट और आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा हम उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और आपको उसकी आउटपुट देगा A person who writes a program for computer is known as software programmer or computer programmer. ठीक है? तो जो user, जो human human लेकर आओगा ना, जो भी instructions जो दे रहा होगा computer को, उसका title क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है? वो software programmer है या computer programmer है? The process of writing set of instructions in a computer language is called programming. ठीक है? इस पूरे process को क्या बोला जाता है? Programming बोला जाता है? और पर्पस क्या है प्रोग्रामिंग का इज टू क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट ऑपरेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजाइड रिजल्ट्स ठीक है ताकि हम उसको समझा सकें कंप्यूटर को कि उसने क्या काम करना है एग्जैक्टली exactly उसको कि आपने ये आउटपुट देना है ये अगर ये ऑप्शन आपके पास आएगी तो आपने ये आंसर देना है तो आपको कंप्लीट ज़ीरो से समझाएंगे अच्छा जी ये तो हमने बात कर ली बुनियादी तौर पर कि हमने कंप्यूटर से बात किसा करनी है ठीक है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से करनी है जो लिख रहा होता है प्रोग्रामिंग उसको प्रोग्रामर बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर प्रोग्रामर बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को प्रोग्रामिंग बोला जाता है अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ होती हैं अगर उसको ब्रॉडली हम कैटेगराइज़ करें तो वो दो कैटेगरीज की होती हैं ब्रॉडली ठीक है broadly, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज़ लो लेवल यहाँ मुराद जो है वो लो लेवल से मुरादी एक हैं ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के, के करीब होंगी ठीक है जिस हमने पहले बात की कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर चलता है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी है ठीक है ज़ीरो और वन की है तो जो भी लैंग्वेज क्लोज टू कंप्यूटर होगी ठीक है उसके करीब तरीन होगी तो उसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाएगा और जो हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ऐसी लैंग्वेज हैं जो लैंग्वेजेस ले, ह्यूमन लैंग्वेज यानी इंग्लिश जिस तरह है इंग्लिश लैंग्वेज के करीब तरीन होंगी उनको हाई लेवल लैंग्वेजेस बोला जाएगा ठीक है इसकी मिसाल हम दुनिया में कैसे ले सकते हैं जिस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस आपस में करीब और करीब तर होती हैं ना जिस तरह अब उर्दू और फारसी जो है वो काफ़ी क्लोजली इंटरलिंक्ड है कि हमारे उर्दू के अंदर बहुत सारे फ़ारसी के अल्फाज हैं इसी तरह फिर अरबी भी हमारे से करीब तरीन है उसके क्या चीज़ है कि वो उसकी जो लिखने का स्टाइल है वो उर्दू का अरबी का फारसी का एक जैसा है ठीक है बहुत सारे वर्ड्स कॉमन है इसी तरह जबकि इंग्लिश जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मन के साथ मैच कर रही है फॉर एग्ज़ाम्पल या किसी फ्रेंच के साथ मैच कर रही है वो भी इंग्लिश में ही लिख रहे हैं कुछ लेटर्स डिफरेंट हैं इसी तरह चाइनीज़ जो है वो जैपनीज़ के साथ क्लोज है तो इसी तरह ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस को भी मुख्तलिफ कैटेगराइज़ किया गया है तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है जिसका मैंने बता दिया जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है कंप्यूटर के लिए नॉर्मली वो समझना आसान होती है क्यों क्योंकि वो क्लोज होती हैं बाइंड्री लैंग्वेज के ठीक है अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि लो लेवल लैंग्वेज का और नुकसान क्या होगा हमें इससे यहीं से पता लग रहा है कि क्योंकि ये आसानी से कंप्यूटर समझ सकता है इसको तो ये डेफिनेटली फास्ट होंगी क्योंकि इसको इसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर जल्दी कर लेगा लेकिन इसके ऑपोजिट इसका नुकसान क्या होगा ये हमारे लिए समझना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे लिए जो है वो जिस तरह बाइनरी लैंग्वेज मुश्किल है तो लो लेवल लैंग्वेज़ भी डेफ़िनेटली हमारे लिए कम्प्लेक्स होंगी टू अंडरस्टैंड ठीक है लेकिन इसकी जो पॉजिटिव चीज़ क्या है इसकी कि इसकी प्रोसेसिंग जो है वो तेज़ होगी क्योंकि इसमें जो इंटरप्रटेशन है या जो वो कम से कम हो जाएगी ठीक है जो समझने की क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जिस तरह मैंने कहा कि वो क्लोज़ टू इंग्लिश लैंग्वेज हैं तो वो हमारे लिए तो आसान होंगी

और सेकेंड दर्जे के ऊपर आपकी असेंबली लैंग्वेज है ठीक है जो कि सिम्बल्स की फॉर्म में होती है इसको भी हम लो लेवल लैंग्वेज के अंडर ही कैटेगराइज करते हैं तो मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसे हमने बताया कि वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस कर रही है यानी कि जीरो एंड वन एंड जीरो मीन्स नो करंट एंड वन मीन करंट ठीक है करंट की एग्जिस्टेंस यस yes या नो no की फॉर्म में जैसा होता है एक चीज़ यस yes या नो no, या ट्रू और फॉल्स ठीक है इसकी प्रैक्टिकल बेसिकली क्या एप्लीकेशन है बेसिकली वन का मतलब है कि करंट है जीरो का मतलब मतलब करंट नहीं है ठीक है इसी की कम्बिनेशन से ये लैंग्वेज बन रही है तो ये मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आएगी इसी तरह सेकंड पे हमारा आ जाएगा असेंबली लैंग्वेज ये एक एग्जाम्पल दी गई है मशीन लैंग्वेज की जीरो वन के फॉर्म में ये हमने इसकी एडवांटेजेस भी देख लिए थे कि बेसिकली इट इज़ फास्ट ठीक है इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी इसी वजह से फास्ट है डिसएडवांटेज क्या होंगे ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए डिसएडवांटेज क्या होंगे कि हर मशीन की अपनी लैंग्वेज होगी कि एक कंप्यूटर के ऊपर लिखा गया प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं होगा ठीक है क्योंकि वो हर ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो अगर एक सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफरेंट है दूसरे से तो एक एक कंप्यूटर के ऊपर चलती चली हुई मशीन लैंग्वेज दूसरी कंप्यूटर के ऊपर नहीं चल सकेगी ठीक है उसके डिफरेंट मीनिंग बन जाएंगे और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एज अ यूजर एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए डिफिकल्ट है टू रिमेंबर और और टू टू कोड इन दिस लैंग्वेज डायरेक्टली अच्छा जी इसके बाद हम इसमें बात हो रही है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर्स ठीक है डेफिनेटली वो कम्प्लेक्स है टू राइट प्रोग्राम्स और इसी तरह वो डिफ़िकल्ट है टू फाइंड एरर्स अगर उसमें आ जाए इसी तरह याद रखना मुश्किल है और प्रोग्राम जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है लेंथी हो सकता है और डिफिकल्टी हो सकती है हमें डिबिंग करने में अगर कोई उसमें एरर आ गया है सेकेंड लैंग्वेज है हमारी इसमें लो लेवल लैंग्वेज के अंदर विच इज़ असेंबली लैंग्वेज जिस हमने पहले बात की असम्बली लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज ऑफ सिम्बल्स ठीक है इट वॉजप बाई द प्रोग्रामर्स टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ मशीन लैंग्वेज ठीक है जैसा मशीन लेवल लैंग्वेज के जो इश्यूज़ थे या इसकी डिफिकल्टीज थी उसको आसान करने के लिए तो प्रोग्रामर्स ने रिसर्चर्स ने क्या किया एक इम्प्रूव वर्जन बना दिया ऑफ मशीन लैंग्वेज और उसको नाम दे दिया असम्बली लैंग्वेज जिसमें मुख्तलिफ सिम्बल्स लेटर्स वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया टू रिप्लेस द दाइंडेड डिजिट ठीक है क्योंकि बैंडेड डिजिट जो है वो डिफ़िकल्ट थे टू रिमेम्बर तो उन्होंने मुख्तलिफ कोडिंग्स को रिप्लेस कर दिया लेबल दे दिया विथ लेटर्स वर्ड्स एंड सिम्बल्स अगेन इसके भी कंपेरिटिवली लेकिन इसको उसी में लेके आया जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लेके ले कैटेगराइज किया जाता है जिस तरह ये एग्जाम्पल के तौर पर एडिशन का मतलब ए है ए के सिम्बल के साथ रिप्रेजेंट करें डिविजन डी ठीक है मूव डाटा को एम बी सी तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं है प्रोग्राम्स रिटर्न इन मशीन लैंग्वेजेस आर रिप्लेस्ड बाय निमोनिक्स विच आर ईजी टू रिमेंबर ठीक है ये आसान कम एज टू अगर हम इसको मुजन करें अपनी मशीन लैंग्वेज से तो इट इज़ इजी टू रिमेंबर ठीक है तो आसानी से आप इंस्ट्रक्शन डिलीशन कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर और कम इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ओके नुकसान क्या होंगे द लैंग्वेज असेंबलर आर एक्सक्लूसिवली द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ठीक है इसके जो असेंबलर होते हैं अब असेंबलर क्या होता है ऐसी चीज़ या ऐसा कंपोनेंट जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा आपकी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर तो इसके अंदर ड्रॉबैक यह था कि जो असेंबलर्स होते हैं वो हर कंप्यूटर के सेपरेट होते थे ठीक है एक ही असेंबलर तमाम कम्प्यूटर्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ठीक है तो हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट असेंबलर आपको आपको डिज़ाइन करना पड़ता है या प्रोग्रामर्स को और प्रोग्राम्स जो डेफिनेटली फिर पोर्टेबल नहीं होते इससे मुराद क्या है कि एक कंप्यूटर पर बनाया हुआ प्रोग्राम ट वर्क इन अदर कंप्यूटर्स ठीक है बिकॉज ऑफ देयर आर्किटेक्चर डिफरेंस जी तो ये था uh, हमारा लो लेवल लैंग्वेज अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो इस हवाले से यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू लो लेवल लैंग्वेज किसी का क्वेश्चन है कोई एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लो लेवल लैंग्वेज येस आई यू लिसनिंग टू मी

जिसको हमने ब्रीफली डिफाइन किया किया था एफ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है या ह्यूमन लैंग्वेज अब बाई डेफिनेशन बुक में क्या कहते हैं कि एच एल एल इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेज़ इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर इट्स प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन ठीक है जो बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो जो करेक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो के इंग्लिश लैंग्वेज के किए जा रहे हैं और मैथमेटिकल सिम्बल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ह्यूमन के क्लोज हैं ह्यूमन इसको उससे ऑलरेडी वेल अवेयर हैं तो इसीलिए कम्पेरिटिवली इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड दे आर ऑलसो कंसिडर्ड थर्ड जनरेशन इसको थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है इस स्टेटमेंट इज इक्वल टू अ लार्ज नंबर ऑफ असेंबली लैंग्वेज और हर एक एक हाई लेवल लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट यानी कि एक लाइन असेंबली लैंग्वेज की कई हज़ारों लाइनों के बराबर भी हो सकती है ठीक है बहुत सारी लाइनस अब आम हम हमारा कोड जो है वो रिड्यूस हो गया हमने जो काम उसको बहुत डिटेल से बताना था यूजिंग असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज अब हाई लेवल लैंग्वेज के में हम उसको एक लाइन में बहुत सारे काम करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज ठीक है तो इससे क्या होगा ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो छोटा हो गया कम लाइंस के ऊपर कम इंस्ट्रक्शंस की बेसिस के ऊपर आप कंप्यूटर से ज़्यादा काम करवा सकते हैं और इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड ईजी टू कोड द प्रोग्रामर्स कॉन्सनट्रेट ऑनली ऑन द लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट कंसिडरिंग अबाउट द मशीन आर्किटेक्चर अब इसमें एक और बड़ा फ़ायदा क्या हुआ जो बड़ा नुकसान था लो लेवल लैंग्वेज का वो थी मशीन डिपेंडेंट कि हर मशीन के लिए सेपरेटली प्रोग्रामिंग होती थी क्योंकि उनकी बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर अब जो हाई लेवल लैंग्वेज थी ये इरस्पेक्टिव मशीन आर्किटेक्चर से इसका कोई ताल्लुक नहीं था ये हाई लेवल क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज थी तो प्रोग्रामर है उसको कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि वो एक प्रोग्राम लिखेगा वो चाहे जिस मर्जी कंप्यूटर के ऊपर रन करें उसकी वही एप्लीकेबिलिटी होगी ठीक है उसी तरह रन होगा तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस ये मशीन इंडिपेंडेंट है ठीक है मशीन के ऊपर फोकस नहीं है इसका किसी भी मशीन uh, पे बनाया हुआ प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन पर ईजीली रन हो जाता है एग्जीक्यूट हो जाता है इसी तरह इट इज़ इज़ी टू लर्न एंड यूज़ ठीक है ये हमने बात कर ली इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एफर्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इसी तरह इट प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स ड्यू प्रोवाइड बेटरिटी विद है इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी ईजी है क्यों क्योंकि ये क्लोज है नेचुरल यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज और या इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज है तो डेफिनेटली अगर आपका प्रोग्राम छोटा होगा इजी टू अंडरस्टैंड होगा तो उसकी डी भी आसान होगी वट इज डी बगिंग बेसिकली डी बगिंग इज टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड करेक्टिंग दैम ठीक है आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया अब वो डिजाइड रिजल्ट आपको नहीं दे रहा तो अब आपने उसको डीबक करना है कि वेयर आर द एरर्स ठीक है तो आगे एरर्स का भी आपको बताना चाहिए कि दो किस्म के एरर होते हैं वेदर दे आर लाइक लॉजिकल एरर्स या सिंटेक्स एरर ठीक है सिंटेक्स एरर का मतलब है आपने कोई स्टेटमेंट जो लिखनी थी uh, उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी ठीक है इसी तरह लॉजिकल एरर में आपका लॉजिक गलत हो सकती है फॉर एग्जांपल आपने टू प्लस टू करना था आपने टू माइनस टू कर दिया तो लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज सिंटेक्स एरर तो वो आपको बता देगा ना कि फिलहाल लाइन के ऊपर ये एरर आ रहा है लेकिन अगर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया है तो कंप्यूटर को नहीं पता लगेगा कि इट इज एरर वो रिजल्ट में फ्लॉ आएगा आपका रिजल्ट गलत आएगा उस केस में अच्छा जी फिर यहाँ पे बात होती है कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड लिंकर की ठीक है जैसे हमने असम जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें तो हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम डायरेक्टली उसी जुबान में बात कर रहे हैं जो कि जुबान किसकी है कंप्यूटर की है लेकिन उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में हमने बात की कि असेंबली लैंग्वेज क्योंकि सिम्बल्स को रिप्रजेंट करी है तो सिम्बल्स को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के अंदर उसके लिए हमें क्या चाहिए असेंबलर चाहिए तो असेंबलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इन टू मशीन लैंग्वेज कोड ठीक हो गया अब हमने बात की है हाई लेवल लैंग्वेजेस की तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो बेसिकली अगेन दे आर नॉट लाइक मशीन लैंग्वेज तो डेफिनेटली दे नीड टू बी कन्वर्टेड तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिकली वट वी नीड अ कंपाइलर और और एन इंटरप्रेटर या उसको आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं वी नीड अ ट्रांसलेटर ठीक है तो बेसिकली अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर या तो कंपाइलर इस्तेमाल हो रहा होता है या फिर इंटरप्रेटर इस्तेमाल हो रहा होता है ठीक है ये दोनों टाइप्स हैं किसकी ट्रांसलेटर्स की एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसलेटर का काम क्या है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करे इनटू अ मशीन लैंग्वेज कोड ठीक है तो कंपाइलर बाय डेफिनेशन क्या है अ अ कंपाइलर इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड अब यहाँ सोर्स कोड से मुराद बेसिकली क्या चीज है सोर्स कोड से मुराद यहाँ पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कंप्यूटर प्रोग्राम है अब कंपाइलर जो है वो एक ट्रांसलेटर की टाइप है वो क्या करता है सोर्स कोड यानी कि एक आपका प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम आपका जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है आपने उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ठीक है ऑब्जेक्ट कोड से मुराद यानी कि ताकि उसको मशीन लैंग्वेज कोड में आ जाए और वो कंप्यूटर समझ सके द सोर्स कोड इज़ अ प्रोग्राम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट कोड इज़ एन एक्जीक्यूटिवल फॉर्म ऑफ द कोड ऑफन इन अ बाइंड्री फॉर्मेट ठीक है ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है और ऑब्जेक्ट कोड जो है आपका बाइंड्री लैंग्वेज के अंदर है अब आपके कंप्यूटर को यह समझ आएगी इसी तरह कंप्यूटर समझने के बाद इसको वापस कंपाइलर को देगा और हमें कंपाइलर दोबारा इन अंडरस्टैंडिंग एबल फॉर्म में हमें आउटपुट उसका दे देगा ठीक है यूज़र राइट्स आर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड अ स्पेसिफिक कंपाइलर डिज़ाइन फॉर दैट लैंग्वेज और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह इंसानों में मुख्त लैंग्वेज हैं इंग्लिश उर्दू बचतो ठीक है चाइनीज़ तो कंप्यूटर के अंदर भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिस तरह आज के दौर में जो है वो कोई बताएगा मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं एनीवन जी कोई बताएगा कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं आजकल आप लोगों ने कभी नाम सुना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जी एनीबडी फॉर एग्जाम्पल पी एच पी फॉर एग्जाम्पल जावा ठीक है फॉर एग्जाम्पल एनिमल

मशीन कोड के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके फिर आती है टाइप दूसरी ट्रांसलेटर की ट्रांसलेटर की एक टाइप हमने पढ़ ली विच इज कंपाइलर और कंपाइलर का एक जो फीचर है वो क्या करता है कि कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है एक एक ही गो में ठीक है आपने पूरा प्रोग्राम लिखा वो आपके पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा किस में सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के इसकी एग्जाम्पल ये है Uh, मैं अक्सर एक रुकाती एक्जाम्पल देता हूँ आप याद रखें ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाइना चले जाते हैं जिसे हमने कहा अब आपकी लैंग्वेज जो चाइनीज़ लैंग्वेज डिफरेंट है चाइनीज़ जो है वो आपकी ज़ुबानी समझ सक रहे और आप जो है वो चाइनीज़ समझ नहीं सक रहे तो आपको किसकी ज़रूरत है एक ट्रांसलेटर की अब वो जो ट्रांसलेटर है वो ये कंपाइलर भी हो सकता है और वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है अगर वो इस टाइप का ट्रांसलेटर है आपका कंपाइलर टाइप का तो इसका मतलब है यानी कि वो एक्सपर्ट ट्रांसलेटर है आपने पूरी की पूरी जो किसी को टास्क बताना था चाइनीज़ को आपने पूरा अपने पैराग्राफ बोला इन उर्दू और इंग्लिश और उसने पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया इन चाइनीज़ तो ये काम बेसिकली आपका कंपाइलर कर रहा है और अगर उसमें कोई एरर आएगा तो एज अ होल फिर आपको बता देगा उसी एक ओवरऑल में जबकि इंटरप्रेटर एक ऐसे ट्रांसलेटर की टाइप है फॉर एग्जांपल वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो आपको कहता है कि आप जो है वो पूरे का पूरा टास्क ना बोलें एक वक्त में आप लाइन बाय लाइन बोलें ठीक है आप एक लाइन बोलेंगे वो ट्रांसलेट करके उसको बताएगा फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन ठीक है लाइन बाय लाइन चलेगा तो काम ये बेसिकली वही कर रहा है तो इंटरप्रेटर क्या है ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को इंटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज कोड लेकिन इसमें डिफरेंट क्या चीज आ रही है कि इट रीड्स वन लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम ठीक है ये एक वक्त में एक लाइन को कन्वर्ट करता है एज अ होल प्रोग्राम को नहीं करता जो कि कंपाइलर आपका एज अ होल कर रहा था ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेसिकली इंटरप्रेटर टेक्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम जो हमने इस बात की जो इंटरप्रेटर है वो एक अनस्किल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रांसलेटर नहीं है जो कि एक वक्त में एक स्टेटमेंट लेता है उसको ट्रांसलेट करता है और उसको एक्जीक्यूट करता है जबकि अदरवाइज जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में स्कैन करता है और उसको ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट करता है ये डायग्राम आपको जो है वो क्लैरिफाई कर देगी वट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर अब आपका ये सोर्स कोड है बेसिकली सोर्स कोड से मुराद एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा है यानी कि विच इज़ क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है अब उसको कंप्यूटर को समझाना है यानी कि प्रोसेसर को समझाना है उसने काम करना है अगर तो आपका वो इंटरप्रेटर है तो वो क्या करेगा पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज अ होल एक ही वक्त में कन्वर्ट करेगा अगर कोई इशू है तो तब आपको बता देगा अगर इशू नहीं है तो आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा प्रोसेसर को ठीक है लेकिन जबकि सोर्स कोड जो है वो वन लाइन एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन लेगा उसको वापस भेजेगा उसको आगे प्रोसेसर को भेजेगा और फिर आप वापस जो है वो टू एंड फोर करता रहेगा लाइन बाई लाइन जो है वो प्रोसेसिंग करेगा इसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग जो है वो सॉरी ये इंटरप्रेटर ये लाइन बाई लाइन कर रहा है और ये कंपायलर एज अ होल कर रहा है ठीक है तो इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर ठीक है कंपाइलर जो है वो तेज़ी में करेगा फिर आ जाता है लिंकर वट इज अ लिंकर और लिंक इज अम लिंक मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेटेड बाई अलर कम्बाइन सिंगल द प्रोग्राम अब लिंकर बेसिकली काम क्या कर का रहा है क्योंकि बहुत सा एक ही प्रोग्राम की मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स बन रही हैं तो उनको फिर आपस में जो है वो जोड़ के एक प्रोग्राम की सूरत में सिर्फ लिंकिंग का काम है इसका ठीक है जिस तरह अभी हमने इंटरप्रेटर की बात की कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन वो मैनेज करके कन्वर्ट कर रहा है, तो बेसिकली जब आपको ज़रूरत होगी टू कंबाइन ऑल द थिंग्स इन टू अ वन पैकेज तो लिंकर बेसिकली उन तमाम को एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो मर्ज कर देगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कम्प्राइज ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑल दिस कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स नीड नॉट टू बी बनफाइंड विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल व्हेन अ प्रोग्राम प्रोप्राइज ऑफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट फाइल द लिंकर कंबाइंस दिस फाइल इनटू अ सिंगल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स ठीक है तो लिंकर बेसिकली काम क्या, क्या कर रहा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स जब क्रिएट होगी वेदर वो कंपाइलर ने क्रिएट की हो या इंटरप्रेटर ने की हो तो उन तमाम को जो है वो लिंक करके एक फाइल बना देगा जो कि एग्जीक्यूटेबल होगी जो कि कंप्यूटर्स को रन कर सकता है जिसको अच्छा जी अब हमने क्या क्या कवर कर लिया हमने देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है उसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हमने देखी हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज फिर हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने देखा बाइंड्री लैंग्वेज यानी मशीन मशीन लैंग्वेज एंड एन असेंबली लैंग्वेज फिर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने, हमने देखा कि उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं फिर हमने देखा कि जो ट्रांसलेटर होते हैं यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमनली यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस ठीक है जिसने अभी हमने वैसे डिस्कस किया कि अभी रिसेंट कौन कौन सी चल रही हैं पी एच पी ठीक है सी शार्प डॉट नेट पाइथन ठीक है इसी तरह जो है वो बहुत सारी सी प्लस प्लस ये लैंग्वेजेज हैं वो जावा uh, अब उसके अंदर भी दो कैटे uh, जो है कैटेगरी कैटेगरीज हैं ठीक है थीके? एक कैटेगरी आती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि लाइन बाय लाइन आप जो भी इंस्ट्रक्शंस को दे दें मतलब कहा जाता है ठीक uh, uh, है प्रोसीजर लैंग्वेजेस बेसिकली है प्रोसीजर कॉल प्रोसीजर कंसेप्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप वाइज आप कोई भी कंप्यूटर को बताएंगे

और ये जो है नाइनटीन में बनी थी आई बी एम जो कि हेडेड बाई जॉन बैकस ने नाइनटीन फिफ्टी सेवन में बनी ठीक है और द नेम फॉर ट्रैंड इज एन एंक्रीडम किस चीज़ का एंक्रीडम है ये फार्मूला ट्रांसलेशन का और ये लैंग्वेज जो है वो किस लिए बनाई थी फॉर द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्प्शन के लिए ठीक है उसके बाद फिर आया इसकी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं कि इट इज इजी टू लर्न ये पोर्टेबल थी ठीक है प्रोवाइड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ़ प्रोग्राम एलोकेशन स्टोरेज ऑफ अच्छी थी इसकी ठीक है इसी तरह जो इट प्रोवाइड्स मोर ऑटोनॉमी इन कोड लेआउट एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस ठीक है ये एग्जांपल दी गई है एक फोर्थ के कोड की अब ये इंस्ट्रक्शन है जो कि एक्चुअली प्रोग्रामर करता है ठीक है अब इसमें अगर हम बेसिकली इसको आ, समझें तो ये बेसिकली क्या कर रहा है एक उसने इंटीजर ले लिया एन के नाम से एक इंटीजर ले लिया टॉप के नाम से टॉप के अंदर उसने कहा कि टेन को डाल दो ठीक है और फिर क्या करो प्रिंट करो स्टैरिक को नंबर स्क्वेर क्यूब को ठीक है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और डू का हुँ मतलब है ये एक लूप चलेगा डू एंड लूप का मतलब क्या होता है जब आपने एक ही कोड को बार बार रिपीट करना होता है ठीक है इस पर ज़्यादा फोकस आप मतलब इसको कम्पलेक्स ना समझें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दें कि ये डू और एंड क्या कर करें बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं अब ये कह रहे हैं डू टेन टाइम्स ठीक है डू टेन टाइम्स और एन को लगे फर्स्ट टाइम वन अब वो बारी बारी क्या करेगा एक टेबल प्रिंट कर देगा ठीक है एन में वन होगा वन टू ज टू वन थ्री जो थ्री ठीक है ये जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है लिस्ट ऑफ एंड क्यूब्स वन से लेकर टेन तक नंबर्स के स्क्वेस एंड क्यूब्स इसका आउटपुट बेसिकली किस तरह आ जाएगा अगर हम इसको लिखें इस प्रोग्राम का आउटपुट किस तरह आ जाएगा फर्स्ट टाइम इसने कहा कि वन और वन का स्क्वेयर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और क्यूब भी वन ही हो जाएगा इसी तरह टू करेंगे तो two का का क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा इसी तरह जी बताएं टू रेस्ट पावर थ्री क्या हो जाएगा टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई जब हम करते हैं टू टू जर फोर फॉर जा एट

Uh, जिनका को सिम को कहा जाता था कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस ठीक है उनका एक ग्रुप बना था जिसका नाम था ग्रुप का बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस और ये 1959 के अंदर बनी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज अब इसका परपज़ जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड था फॉर ओवर फोर डिकेट्स कोबोल हैज़ डोमिनेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन ठीक है तकरीबन तो चार सदियों तक ये जो है वो काफ़ी पॉपुलर रही जिस आज के दौर में आपने पता होगा जिसमें पाइथन बहुत पॉपुलर है पी बहुत पॉपुलर है ठीक है सी शार्प सी प्लस प्लस तो सिंटेक्स ऑफ कोबॉल जो है वो बनाया था स्पेशली फॉर नॉन प्रोग्रामर्स ताकि वो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें ठीक है सिग्निफिकेंट फीचर क्या थे कोबॉल इज़ सूटेबल फॉर प्रोग्रामिंग बिजनेस एप्लीकेशन ठीक है सिंपल लैंग्वेज थी और प्रोग्रामिंग स्टाइल फ्री इसका सिंपल प्रोग्रामिंग स्टाइल था फाइल रिकॉर्ड मैनेज करते थे द लैंग्वेज इज पोर्टेबल थी ठीक है किसी एक पर्टिकुलर वेंडर की नहीं थी ये एक एग्जाम्पल दी गई है एग्जाम्पल सैम्पल कोड ऑफ कोबोल प्रोग्राम का ठीक है जिसमें देखें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है और इसमें कुछ ऐसे देखने में लग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही है ये लाइंस हैं बेसिकली ठीक है इसके बाद आती है वे, वेरी पॉपुलर लैंग्वेज जो अभी तक उसी के आगे डिफरेंट वेरियंट्स चल रहे हैं जिसना सी प्लस प्लस जो है सी शार्प है दैट इज़ सी लैंग्वेज जो कि नाइनटीन सेवेंटीज़ के अंदर रिची ने जो है डेवलप की ए, ए टी एन टी बेल लेबॉर्टरीज के अंदर और द फाउंडेशन ऑफ सी लैंग्वेज इससे पहले जो है वो बी लैंग्वेज थी बेल लैब्स के नाम से उसके बाद उसके अंदर एडवांसमेंट की जिसकी वजह से उसका नाम जो है वो फिर सी लैंग्वेज रखा गया तो

सी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी उसका स्कोप काफ़ी बड़ा है ठीक है वो मुख्तफ एंगल से इस्तेमाल हो रही है आज तक जो है वो सी प्लस प्लस उसके वेरियंट्स है वो अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसी तरह इट इज़ आलो यूज टू डेवलप वेरियस टाइप्स ऑफ एलिकेशन इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स बिजनेस एंड कॉमर्स एप्लीकेशन ठीक है उसके फीचर्स क्या हैं सी लैंग्वेज के ये एक जनरल परपज लैंग्वेज़स है किसी खास किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये काफ़ी जेनेरिक है काफ़ी एफिशिएंट एंड पावरफुल कंसिडर की जाती है ये भी मशीन इंडिपेंडेंट है किसी मशीन के ऊपर फोकस uh, इसका नहीं है कि एक मशीन पर बनाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरे पे भी आसानी से रन हो जाती है द मॉडलैरिटी अलाउस ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोग्राम इंटूअ मैनेजेबल पी सी एस टी है इसके अंदर का कांसेप्ट है यानी कि प्रोग्राम को आप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं सो डैट इट मेक्स द प्रोग्रामिंग ईजी ये सैम्पल एक कोड दिया हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को इंक्लूड कराया गया है और प्रिंट कर रहे हैं गिफ्ट टू नंबर्स आपसे दो नंबर मांगे जा रहे हैं यूजर दो नंबर देगा उन दोनों को नंबरों का सम आउटपुट आ रहा है ठीक है इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद क्या है ये पूरा प्रोग्राम है तीन वेरिएबल्स हैं वो यूजर से आपसे दो नंबर मांग रहा है एक्स एंड वाई और उनको ऐड करके आप जिस तरह कैलकुलेटर आपसे करते हैं ना आप कहते हैं टू प्लस टू एंड वो खुद आपको आंसर देगा तो ये बैक एंड पे कोडिंग है सी सी के अंदर जो कि दो वैल्यूज लेगा और आपको ऐड करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है ये क्लियर है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मोस्ट uh, प्रोबली uh, इस तरह के प्रोग्राम्स तो नहीं आएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर आपको लेकिन आपको बेसिक uh, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स। जी ठीक हो गया? इज इस क्लियर कि ये सी के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम है जो कि तीन वैल्यूज आपसे ले रहा है और आपको दो वैल्यूज आपसे ले रहा है और उनको सम कर जेड के वेरिएबल के अंदर डाल के आपको प्रिंट आउट दे रहा है ओके okay, जी कंटिन्यू करते हैं अब हम आते हैं जिस हमने बात की हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो पहली टाइप थी वो थी प्रोसीजरल लैंग्वेज की यानी कि वो जिसके अंदर रूटीन्स होती हैं एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे रिसर्चर्स ने प्रोग्रामर्स ने इंप्रूवमेंट की जैसे हमने अगेन पहले लेक्चर के अंदर बात की थी कि इंसान की जो है वह तरक्की रुकती नहीं है ठीक है वो हर लम्हे इसी कोशिश में होता है कि वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें किस तरह उसमें से बेहतरी लेकर आए तो उसने देखा कि उसके अंदर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मसाइल क्या आ रहे हैं कि हमें एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है ठीक है कोई हरारकी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही कोड जो है वो मैनेजेबल नहीं हो रहा बड़ी अप्लीकेशन के लिए तो फिर कॉन्सेप्ट एक आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यानी कि हर चीज़ को बतौर ऑब्जेक्ट और वो रियल लाइफ से लिया गया कि आपके इर्द गिर्द आप देखते हैं तो आपको हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट नज़र आती है जिस तरह आपके घर में एक कुर्सी होगी ठीक है कुर्सी एक ऑब्जेक्ट है अब कुर्सी एक एक ऑब्जेक्ट है लेकिन वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग रहा है ठीक है कुर्सी अब जितनी भी कुर्सियाँ हैं उन सब में कुछ कॉमन चीज़ें होंगी ठीक है उसमें बैठने की जगह होगी उसकी हाइट होगी उसका वेट होगा ठीक है तो इसी तरह लेकिन जो एक ख़ास कुर्सी ऑब्जेक्ट है फिर उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसका कलर डिफरेंट हो सकता है ठीक है उसका साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है उसकी किस मेकिंग डिफरेंट हो सकती है तो ये रियल लाइफ के अंदर भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक चीज़ क्लास होती है और उस क्लास के फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है थीके? और हर ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमने कहा बर्ड्स ठीक है बर्ड्स एक क्लास है ना कि तमाम परिंदे अब कोई एक बर्ड आप कबूतर ले लेंगे तो वो जो कबूतर होगा वो बर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट है अब उस ऑब्जेक्ट के जो है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसका कलर हो सकता है उसकी फ्लाइंग स्पीड हो सकती है ठीक है उसकी मुख्तलिफ ये उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं उसकी बेसिकली तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामर्स ने रिसर्चर्स ने रेप्लिकेट किया इन प्रोग्रामिंग उन्होंने कहा जब भी हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं कोई भी तो उसमें भी यही चीज हम हो सकती है कि हम कर सकते हैं कि हम चीज़ों को डिवाइड कर दें इन टू क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स अब उससे एक फायदा क्या होगा कि हम चीजों को री यूज कर सकेंगे अगर कोई एक कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है तो आप उसी कॉन्सेप्ट को कहीं और यूज करना है तो आपने उसको सिर्फ रीयूज करें रीयूजबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ज्यादा आया तो ऊपर बोला जाता है इसको बेसिकली ओप इज अ प्रोग्रामिंग डोमेन विच यूज रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स डिजाइन एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स द ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसिस ठीक है ऑब्जेक्ट्स हैं उसके किसी भी क्लास के इंस्टेंस हो सकते हैं जो कि आपको टेम्पलेट दे देते हैं कि उसके अंदर क्या क्या बुनियादी चीजें हैं ईच ऑब्जेक्ट कैन रिसीव मैसेजेस प्रोसेस डाटा सेंड मैसेजेस एंड टू अदर ऑब्जेक्ट ठीक है आपस में कम्युनिकेट हो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनकरेजेस अ प्रोग्रामर बेसिकली क्या कर रहा है टू डी अ प्रॉब्लम इन टू सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके उसको डिवाइड करें ताकि वो एक मैनेजेबल प्रोग्राम बने री रिज हो सके ठीक है कम्प्लेक्सिटी जो आपकी रिड्यूस हो सके जो बुनियादी इसके अंदर ट्रेड्स होते हैं ऊप लैंग्वेज के अंदर वो होते हैं इनकेप्सुलेशन के इनकेप्सुलेशन से मुराद क्या चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हैं इकैपुलेशन से मुराद क्या चीज़ है कैप्सूल से याद रखें अब जो कैप्सूल होती है बेसिकली वो क्या होती है मेडिसिन के अंदर उसके अंदर जो मेडिसिन है वो आपके पास हिडन होती है ठीक है फॉर एक्जाम्पल एक सर दर्द की कैप्सूल है तो उसके अंदर जो मेडिसिन है वो आपको हाइड हुई हुई है मेडिसिन नज़र नहीं आ रही कि वो अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन आपको उसका पर्पज़ पता है उसको सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर कैप्सूलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऐसा फंक्शन आपका प्रोग्राम उसका नाम तो जाहिर हो ठीक है लेकिन उसके अंदर किस तरह वो काम कर रहा है वो हिडन हो ठीक है दूसरे हर किसी को प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है वो सिर्फ उसको यूज कर सके इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही चीज डिफरेंटली बिहेव करे जैसा इंसान क्या करता है कि एक ही काम जो है वो या एक ही फॉर एग्जांपल जो है वो काम मुख्तफ इन्वायरमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ कर लेता है ठीक है फॉर एग्जांपल आप किसी को आवाज दे रहे होंगे अगर आप ग्राउंड में खड़े हुए हैं तो आप ज्यादा ऊंची आवाज दे, दे देंगे फॉर एग्जांपल आप मस्जिद में होंगे तो आप थोड़ी हल्की आवाज में आवाज़ दे देंगे तो ये आपका ये ये बेसिकली इंसान का पॉलीमोफिजम या आप कह सकते हैं कि इंसान का एक ही फंक्शन कॉलिंग का फंक्शन में वो बिहेव डिफरेंट बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट तो कंप्यूटर uh, के प्रोग्राम्स के अंदर भी जो ओप बेस्ड प्रोग्राम होंगे वो एक ही नाम के फंक्शन मुख्तफ बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू अपनी जहाँ पर उसकी जो ज़रूरत है ठीक है और थर्ड मेन बुनियादी कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का जैसा इंसानों के अंदर भी हम चीज़ें इनहेरिट करते हैं अपने माँ बाप से चीज़ें लेते हैं ठीक है हमारे विरसे में चीज़ें मिलती हैं कुछ चीज़ें हम सीखते हैं पेरेंट्स से तो इसी तरह इनहेरिटेंस के अंदर भी यही होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि एक क्लास की सब क्लास हो सकती है तो वो जो सब क्लास होगी यानी कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगी और अपने अंदर कोई नई चीज़ें भी लेके आ सकती हैं ये एग्जाम्पल दे दी जावा लैंग्वेज की ठीक है जावा लैंग्वेज हैज़ बहुत कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है ठीक है जावा काफ़ी फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एग्जाम्पल है एक हाई लेवल लैंग्वेज की सेम्पल जावा प्रोग्राम है विच स्लाइटली कम्प्लेक्स बट इट इज़ वेरी पावरफुल ठीक है अब इसमें जो है वो एवरेज परफॉर्म हो रही है कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ एन नंबर्स आपसे वो नंबर मांगता है एक खास उन नंबर्स की जो एवरेज निकाल के आपको वो करके दे, दे देता है इसी तरह सी प्लस प्लस लैंगवेज है जैसा ये नाइनटीन एटीज के अंदर जो है वो बनी बे लेबॉर्ट्रीज के अंदर बेजारनी प्रूफ ठीक है स्ट्रॉ स्ट्रॉप ने बनाई इसको अर्ली नाइनटीन ऐटीज़ के अंदर सी प्लस प्लस जो है वो आज भी इस्तेमाल जो है वो हो रही है सी शार पे एक वेरिएंट है वो भी इस्तेमाल हो रहा है ठीक है वीडियो गेम्स बनाने के लिए अप्लीकेशन बनाने के लिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर्स बनाने के लिए ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर देंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये काफ़ी जो है वो मशहूर जो है पॉपुलर लैंग्वेज है काफ़ी एग्जीक्यूशन इसकी फास्ट भी है ये एक एग्ज़ाम्पल है सी प्लस प्लस प्रोग्राम की जिसमें एक हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ रहा है अच्छा जी उसके बाद आ जाती है ये तमाम थी थर्ड जनरेशन उसके बाद आ रही है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज़ कौन सी हैं जो नाइनटीन सेवेंटीज़ के बाद जो है वो उनको बोला जाता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज़ जिसके अंदर आपकी एस आ जाती है ठीक है स्ट्रक्चर के रू लैंगज बोलते हैं जिसको या आपने इसका नाम सुना होगा कॉमनली यूज़ जितने भी आपके डाटा हैं और एकल एस क्यूल सर्वर माई सिक्यूल उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि डाटा को इन आ, को पॉपुलेट करने के लिए और डाटा को इंक्वायर करने के लिए तो उसको जो है वो हम फोर जनरेशन लैंग्वेजेस का नाम देते हैं रिपोर्ट जनरेशन हो सकती है ठीक है रिपोर्ट जनरेटर्स होते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे ड्रैगन ड्रॉप होती है आजकल आपने एक और नाम सुना होगा विच इज विच कैन बी कंसीडर्ड इन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है जी को बताएगा गूगल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गूगल का स्क्रैच ठीक है गूगल स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली न यूज इट इज कॉल्डल प्रोग्रामिंग आप ड्रैग एंड कर सकते हैं इसके ऊपर मैं आपको लिंक भेजूंगा ऑल्सो वर्क ऑन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज वेरी इजी टू लर्न इसी तरह आपकी वेब पेज डेवलपमेंट आ सकती है उसके अंदर आपके आ जाता है एस टी एम एल आती है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ठीक है इसके ऊपर हम छोटा सा एक प्रोग्राम कर लेते हैं जल्दी से फॉर एग्जांपल आप अगर नोट पैड खोलेंगे एस बेसिकली आपके जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट के पेजेस हैं वो एस की फॉर्म में ये बल्कि आगे आगे अगर आप नोट पैड खोलते हैं और नोट पैड पर ये कोड लिखते हैं आप एस टी एम एल बॉडी ठीक है इस तरह लिखेंगे और उसको सेव एस करेंगे सेव एस किस तरह कर देना है आपने इसी चीज़ को आपने नोट पैड के अंदर लिखना है सारा और जब उस फाइल को सेव कर रहे होंगे आप उसको सेव करें फॉर एग्जांपल वेब पेज डॉट एच ठीक है ये सेव करने के बाद जब आप लिखेंगे उसको ओपन करेंगे तो ये एक वेब पेज की फॉर्म में ओपन होगा और इसका आउटपुट आपको नज़र आ जाएगा इसी तरह ये आउटपुट जैसा वेबसाइट का होता है वो लिखा हुआ आ रहा होगा ये तमाम जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर आ रही हैं इसी तरह आपकी जो है वो इसमें और कौन सी लैंग्वेजेस आ जाएंगी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ जाएंगी जैसे जावा स्क्रिप्ट होती है ठीक तो है आपकी स्क्रिप्टिंग के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है ठीक है जिसमें जावा स्क्रिप्ट है वीबी स्क्रिप्ट है पीएचपी है पर्ल है ठीक है ये ईजी टू अंडरस्टैंड है और फास्ट प्रोसेसिंग है अब हम आते हैं वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है uh, language, एक प्रोग्रामिंग अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या करेक्टिक्स हो सकती हैं ठीक है थीके? एक तो एक तो ये है हो, ये होना चाहिए कि वो सिंपल होनी चाहिए यूजर फ्रेंडली हो सेकेंड पर आ रहा है कि उसका सिंटेक्स जो है वो रिजेंबल कर सकते हो मैच करता हो इंग्लिश uh, लैंग्वेज के साथ क्लोज हो ठीक है ताकि आसानी से याद रख सकें आप उसको इसी तरह वो डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग की अप्रोचेज हैं यानी कि प्रोसीजरल स्ट्रक्चरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब की वो हैंडलिंग पॉसिबिलिटी हो उसके अंदर ठीक है इसी तरह लैंग्वेज शुड हैव अ कॉम्पैक्टनेस एंड एक्सटेंड एक्सटेंसिबिलिटी फ़ीचर्स ठीक है उसके अंदर जो है वो कंपेक्नेस यानी कि वो कम से कम कोड में ज़्यादा काम करे और इसी तरह एक्सटेंसिव फीचर्स भी हों एक्सटेंड करने के फीचर्स भी हों स्केलेबिलिटी हो स्केल उसका जो है वो हाई स्केल को भी सपोर्ट करती हो इसकी एक्जीक्यूशन एफिशिएंट होनी चाहिए इसी तरह एर डिस्कवरी और रिमूवल आसान होना चाहिए वो आपको बता सके कि कहाँ पर एयर आ रहा है डीबगिंग उसकी आसान जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है कि वो आपकी एप्लीकेशन डोमेन के साथ सूटेबल हो ठीक है जिस भी डोमेन में आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो वो उसके मुताबिक जो है वो उसके साथ मैच करती हो कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो फिर आपका जो वो सर्वर सेटअप है उसके साथ मैच करें आपका क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है थीके? वो कम्पैटेबल हो और आपके पास रेलिवेंट स्टाफ भी मौजूद हो जिसके जो उसके ऊपर काम कर सके उसके बाद टाइम टू तो प्रोड्यूस इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन साइज एंड कोड लैंग्वेज ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट आपके पास उनके सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट अवेलेबल हो ठीक है उसको एनहेंस किया जा सके तो ये था हमारा यूनिट नंबर नाइन जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखा कंप्यूटर प्रोग्राम को देखा लो लेवल लैंग्वेजेस को देखा हाई लेवल को देखा ठीक है इसी तरह उसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो हमने सी सी प्लस प्लस इसी तरह मुख्त जो को बोल ठीक है जनरेशन वाइज देखा के जो सेकेंड uh, जनरेशन और थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़स कौन कौन सी हैं अब असमेंट में सवालत क्या आ रहे हैं कि आपको पता होने चाहिए कि वट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है आपको हमने ये डिस्कस कर लिया इसी तरह वट इज़ डिफरेंट बिट्री लो लेवल और हाई लेवल का क्या, -क्या फ़र्क है जो कि क्लोज़ टू मशीन लैंग्वेज है वो लो लेवल है जो कि हाई लेवल यानी कि क्लोज़ टू इंग्लिश लैंग्वेज है वो हाई लेवल है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी आ जाती हैं असम्बली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल के अंदर आपकी आ जाएंगी फोर्ट राउंड कोबोल ठीक है जावा सी प्लस प्लस वाई हाई लेवल लैंग्वेज आर इजियर टू यूज़ डेफिटली दे आर क्लोज़ टू इंग्लिश लैंग्वेज इसी तरह आपने ये मुख्तल्स सवाल जो हैं उनको पढ़ के आपने इनको परफॉर्म करना है ठीक है एक्टिविटी इनको भी कोशिश करें आप परफॉर्म करें ताकि आप लोगों को मैं बल्कि एक एक्टिविटी दूँगा गूगल स्क्रैच की बेसिकली तो उसकी मैं वीडियो लिंक में शेयर करूँगा आपके साथ लेट मी शेयर इट्स लिंक एज वेल अगर आप यूट्यूब ऊपर जाएंगे स्क्रैच अभी ये लिंक नहीं मैं आपको इस पर लिंक शेयर कर दूंगा आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें स्क्रैच और आगे आप मेरा नाम लिख देंगे तो यू विल गेट द वीडियो हाउ यू कैन लर्न स्क्रैच ठीक है तो ये था हमारा यूनिट नंबर नाइन थैंक यू वेरी मच अभी हम अगले उसको देखते हैं कि आगे हमने नेक्स्ट क्या करना है थैंक यू वेरी मच